मैं परिमल कुमार हूँ सर, आराम से मैं कहता हूँ सर जी, बिल्कुल शांति ग्रुप देखो, हमें कोई भी काम करना तरीके से ही करना, तरीके से ही कर रहे हैं सर। यहाँ से बच्चे आए शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आकर के अपनी मांग रख रहे हैं। आपकी बात ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री साहब के नाम जो है ज्ञापन है, सरकारी नौकरियों की जो भर्ती हो रही है उसमें गड़बड़ियां हैं उसकी तरफ जो है ध्यान दिलाने हैं, तो ये है, ये प्रार्थना पत्र है हमारा, ज्ञापन पत्र नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं है। हम लोग बता रहे हैं जैसे इस प्रकार से जो है 2004 में 14 में सरकार बनी तो पहले दौर में 14 से 19 बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हुए, लेकिन 19 के बाद से जितने पेपर हुए सभी पेपर लीक है, उनको कैंसिल कर देते हैं। 18 में भर्ती निकली थी, 18 से भर्ती अब 21 आ गया और पेपर लगातार लीक कैंसिल लीक कैंसिल, तो ये मंशा पर सवाल उठ रहा है, 3 साल से भर्ती पूरी नहीं हो रही, बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल रही है। तो हम लोग जो है चाहते हैं कि आप इन सभी युवाओं की आशाओं का जो है पालन करते हुए और जो है इन बातों को जो है इन भावनाओं को देखते हुए आप जो है हमारा ज्ञापन अपनी बातें लिखते हुए कि इतने युवा थे, इतने युवाओं के बीच में जो है ये मांगे की हैं और सभी लोग जो है हम लोग हैं, तो हमारी जो एक तो ग्राम शिव का फरवरी में पेपर हुआ लीक हुआ कैंसिल हुआ, पुलिस का अगस्त में 2021 में अभी 8-7 तारीख को लीक और कैंसिल, ये दोनों पेपर लीक और कैंसिल हुए। 3 स्तर के लोग दोषी है सर, एक तो जिसने लीक किया, दूसरा जिसने लीक करवाया और तीसरे नंबर पर जो बच्चे है जिन्होंने खरीदा, वे 3 लेवल के लोग हैं। तीनों लोगों को हम लोग चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, पर्दाफाश किया जाए, फोटो लगाई जाए कि ये समाज के दुश्मन लोग हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो उनके ऊपर, क्योंकि ये जानबूझकर किया गया अपराध है, ये वैसे अपराध नहीं हुआ है। इसके आगे आने वाली भर्तियां लीक में कैंसिल नहीं होंगी, इस प्रकार का उन्हें जो है आश्वासन देना पड़ेगा, भर्तियां समय सीमा में पूरी हो, ये हमारी मांग है। भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर बनाया जाए, हर साल किस प्रकार से जो भर्तियां होती क्या होता है, तो वार्षिक कैलेंडर बनाया जाए। HSSC में जो भी पेपर हो रहे हैं वो निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर नहीं आने चाहिए। HSSC में जो होने वाले जो पेपर हैं वो पाठ्यक्रम से बाहर आते हैं, जैसे अभी वेटरनरी का आ गया, कभी MSc के लेवल का आता है, तो ये सब चीजें जो सिलेबस में से आई, ये हमारी मांग है साहब। ये दो कॉपी है क्या? सुझाने देना भैया, ठीक है, एक घंटी चलेंगे। अरे एक थोड़ा सा इस पे नीचे वो लिख देते हैं, हां मैं एक पेन मिलेगा मुझे सर, एक ये मैंने अपना नाम लिखा सर, बाकी बच्चों का जैसे लिख दें विवरण, कौन कौन से कोचिंग वाले बच्चे हैं, कौन है जो परेशान है, ये मैंने अपनी तरफ से जो है दे दिया। बारी बात अधिकारी सीनियर के बात कर रहा है, दूसरा पेज ऊपर हो गया है।